क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअल में बोर्ड में आते हैं। हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, प्रैक्टिस तक के जितने क्वेश्चन हमने किए वो सारे क्वेश्चन तो वो थे जिससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमें सम और प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, या फिर जीरोस अगर हमारे पास है तो उनके जो फंक्शन है वो क्या क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे एग्जाम्स में या फिर बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है। इन्होंने कहा पॉलीनोमियल तो ठीक है, अल्फा बीटा इसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो जीरोस हैं। अब हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। अल्फा बीटा तो पता नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट करते कैसे करना है, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें गिवन है हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब जिसको हमें सॉल्व करना है, जिस पार्ट को सॉल्व करना है उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आया, ये था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मुझे लेने पड़ेंगे एलसीएम के फॉर्म में। अल्फा बीटा अल्फा को डिवाइड करेगा तो बचेगा बीटा, बीटा यहाँ आ गया, अल्फा बीटा बीटा को डिवाइड करेगा बचेगा अल्फा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा माइनस 2/अल्फा बीटा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर आ गई है। यहाँ आ चुका है प्रोडक्ट, यहाँ आ चुका है सम और यहाँ आ चुका है प्रोडक्ट। अगर इस क्वेश्चन में से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को अगर हम देखें तो हम इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना जानते हैं माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना भी हमें आता है विच इज सी अपॉन ए। बस वही वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। अब जल्दी से हम प्रोडक्ट और सम इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास थी एफ एक्स, राइट, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसके थ्रू मुझे मिल जाता है अल्फा, पहले मुझे ए बी से अलग कर लेना चाहिए, ए इज 1, बी इज माइनस 5, सी इज 4। ए बी सी मिल गए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास अब माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस 5 अपॉन ए यानी 1, यानी अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है यानी सी अपॉन ए, सी कितना है 4/1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 4। इसी चीज को हम अपनी इस इक्वेशन में रख देते हैं, लेट्स गिव इट अ नंबर 1। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन यानी इस पॉलीनोमियल में रखते हैं। पहले पॉलीनोमियल राइट डाउन कर लेते हैं, बीटा प्लस अल्फा माइनस 2/अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा की जगह मुझे सम रखना है विच इज 5 माइनस 2 की जगह 2, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट यानी 4, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट यानी 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 यहां पर, पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ क्या बचा 5 माइनस 8 यानी कि माइनस 3, माइनस 3 अपॉन 4 इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं।